आज की वीडियो में आपको FAQ के बारे में बताने वाले हैं। जब आप किसी कीवर्ड को गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है, ब्लॉगिंग किया है, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये FAQ जो शो होते हैं, तो इनको आप ब्लॉग की पोस्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको jQuery आर्टिकल पे और आपकी वेबसाइट पे ऐड करने के लिए बताया गया है, लेकिन आपको एक दो वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको ये बताया गया है कि आप उन्हें किस तरीके से अपने पोस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये ऐड किया हुआ है, तो आप इन्हें कैसे ऐड कर सकते हैं वही आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये स्टाइलिश और एडवांस jQuery है, इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप इसे बेफिक्र होकर के लगा सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई भी बग नहीं है, तो आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दो दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था आपको किस तरीके से आप अपने सर्च कंसोल में आए हुए LCP इशू को और CLS इशू को फिक्स कर सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में आपको मैंने बताया है अपने रीडायरेक्ट एरर को आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, और उसका प्रूफ भी इसमें मैंने आपको दिया है। तो ये दोनों वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, इसे आप देख सकते हैं और अपने साइट की रैंकिंग को अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इन एरर के आने के बाद हमारी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो डाउन हो जाती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस पोस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पर जा सकते हैं और यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने ब्लॉग में jQuery पोस्ट में ऐड करनी है। सबसे पहले टेम्पलेट में जाकर के आपको बी स्किन फाइंड करना है, ये कोड है, इसी को आप कोड को कॉपी करके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके हम कंट्रोल F प्रेस करते हैं और यहाँ सर्च करते हैं बी स्किन, एंटर मारेंगे और ये कोड हमको मिल जाता है। यहाँ पर ये कोड मिल गया, सेम कोड है, आप इसे देख सकते हैं, इसे टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ से हम CSS पूरा कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हमें इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये देखिए पेस्ट कर दिया है, क्योंकि आज नेट थोड़ा स्लो है इस वजह से मैंने इसे पहले से करके रखा है। अब चलते हैं सेकेंड कोड की तरफ। यहाँ आप देख रहे हैं ये क्लोज बॉडी टैग है, तो यहाँ पे एडिट HTML में आपको सर्च करना है क्लोज बॉडी टैग, और ये आपको ज़्यादातर ब्लॉगर के टेम्पलेट में नीचे ही मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको आकर के और इस कोड को पूरा यहाँ से कॉपी करके और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको टेम्पलेट कर देना है सेव, सेव पे क्लिक करके आप जाएंगे बैक और आप जाएंगे पोस्ट में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पोस्ट मेरी है, ये सर्वे बाई, तो यहाँ पे हम सर्च करें ये सर्वे, ये पोस्ट है, और यहाँ पे हमने ये कोड ऐड करके रखा है जो ये तीसरा कोड HTML है जो पोस्ट में या पेज में आपको ऐड करना है। तो यहाँ से हम ये पूरा कोड कॉपी करेंगे यहाँ तक, पूरा कॉपी करने के बाद और इसे यहाँ पर ये पेस्ट कर देना है जैसा कि मैंने ये यहाँ पे करके रखा है। उसके बाद आप इसे अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे आपकी ये jQuery ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको यदि बढ़ानी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप देख रहे हैं ये एंड कार्ड दिख रहा है और ये दिख रहा है स्टार्ट कार्ड, तो यहाँ से आप इतना कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक मारेंगे इंटर और इसे कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसमें कुछ जगह पे आपको हेडिंग नंबर चेंज करने हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 दिख रहा है, या इसकी जगह आप 4 कर देंगे यहाँ पे, और इसकी जगह पे भी यहाँ पे 4 कर देंगे। आप ध्यान से देखिए, गलती मत करना वरना आपको दिक्कत होगी बाद में। यहाँ पे भी 3 की जगह 4 कर देंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ पे 3 की जगह 4 कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे भी आप इसे 3 की जगह 4 कर देंगे। उसके बाद आप इसे करेंगे अपडेट और यहाँ हम करते हैं पोस्ट को रीलोड। रीलोड करने के बाद ये देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये चौथा ऐड हो गया है। FAQ 3 इसलिए दिख रहा है, पूरा हमने कॉपी करके यहाँ पे रख दिया था। तो यहाँ पे आप एक जगह पे और इसको चेंज करना है, FAQ 3 ये लिखा हुआ है, इसे आप चेंज कर देंगे 4 कर देंगे। ठीक है, अब इसमें आपको जैसे इसमें आर्टिकल वगैरह आपको जो चेंज करना है उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप करेंगे कंपोज व्यू। कंपोज व्यू पे आकर के नीचे आकर के आप ये पूरा आर्टिकल जो है
आप दोबारा से लिख सकते हैं। जैसे FAQ 3 में हम ये लिख दे रहे हैं कुछ भी, और यहाँ पे ये कुछ भी लिख दे रहे हैं, और इस फोटो को डिलीट करके यहाँ पे आप फोटो ऐड कर सकते हैं। और इसे कर देते हैं अपडेट। अपडेट करने के बाद यहाँ से हम फिर रीलोड करते हैं। 3 में हमने चेंजिंग किया था यहाँ पे, तो आप 3 में देखेंगे ये चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे आसानी से एडिट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप इसे अपने पोस्ट में या अपने पेज में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।